दोस्तों, ग्लोबल मैथ में आप सभी का स्वागत है। भारत के छत्तीसगढ़ की रामनामी समाज में एक ऐसी परंपरा का पालन होता आ रहा है जिसे सुनकर आज भी हैरानी होती है। इस समाज के लोग अपने पूरे शरीर में राम नाम का टैटू बनवाते हैं। आम भाषा में गोदना कहा जाता है। इस समाज में यह परंपरा लगभग 100 सालों से भी ज़्यादा लंबे वक्त से चली आ रही है, लेकिन इस समाज के लोग ना मंदिर जाते हैं और ना ही मूर्ति पूजा करते हैं। इसे भगवान की भक्ति के साथ ही सामाजिक बगावत के तौर पर भी देखा जाता है। कहा जाता है कि 100 साल पहले गांव में हिंदुओं के ऊंची जाति के लोगों ने इस समाज को मंदिर में घुसने से मना कर दिया था। इसके बाद से ही इन्होंने विरोध करने के लिए चेहरे सहित पूरे शरीर में राम नाम का टैटू बनवाना शुरू कर दिया। रामनामी जाति के लोगों की आबादी तकरीबन 1 लाख है और छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में इनकी संख्या ज़्यादा है। सभी में टैटू बनवाना एक आम बात है। समय के साथ टैटू को बनवाने का चलन कुछ कम हुआ है। रामनामी जाति की नई पीढ़ी के लोगों को पढ़ाई और काम के सिलसिले में दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, इसीलिए ये नई पीढ़ी पूरे शरीर पर टैटू बनवाना पसंद नहीं करती। पूरे शरीर में ना सही, वह अपनी शरीर के किसी भी हिस्से में राम राम लिखवा कर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। इस समाज में पैदा हुए लोगों को शरीर के कुछ हिस्सों में टैटू बनवाना जरूरी है, खास तौर पर छाती पर और 2 साल का होने से पहले। टैटू बनवाने वाले लोगों को शराब पीने की मनाही के साथ ही रोजाना राम नाम बोलना भी जरूरी है। ज़्यादातर रामनामी लोगों को घरों की दीवारों पर राम राम लिखा होता है। इस समाज के लोगों में राम राम लिखे कपड़े पहनने का भी चलन है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको मिले। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुदर्शन और मिलते हैं एक नए वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।